बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम हैं हानसपुर में और ये एक फैमिली पार्क और आउटडोर जिम है। आउटडोर जिम और ओपन एरिया जिम का जो कॉन्सेप्ट है ये पाकिस्तान में 2007 में आ गया हुआ था और वक्त गुजरने के साथ साथ ये बेहतर से बेहतर शक्ल इख्तियार करता गया। इस पार्क में जो एक्सरसाइज की मशीन इंस्टॉल्ड हैं, ऐसी मशीन्स जो हैं मैंने पहले किसी पार्क वगैरह में नहीं देखी। ये जो है ये पार्क बेसिकली फैमिली और बच्चों के लिए है, तो यहाँ पे जो मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे बच्चों से रिलेटेड हैं। ये जो ओपन एरिया जिम है इसमें डिपेंड करता है कि किस तरह की लोकेलिटी के लिए यंगस्टर्स के लिए बनाया गया है, तो उस तरह की मशीन्स इंस्टॉल की गई होंगी। बच्चों के लिए बनाया गया है तो उसी हिसाब से यहाँ पे मशीन्स हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। कुछ पार्क्स और ये चीज़ें हैं जो आउटडोर गेमिंग की एरियाज हैं, ये सब कोविड-19 की नज़र भी रहे हैं। सारा लॉकडाउन रहा है, अगर अब चूँकि नरमी कर देगी ये लॉकडाउन में, तो बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट दोबारा से मिल गया है। बच्चों को ज़रूर लेकर जाएं ऐसी प्लेसेस पर ताकि वो फिज़िकल जो फिटनेस है, फिज़िकल गेमिंग की तरफ उनका रुझान बढ़े। डायरेक्टरेट जनरल स्पोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा का ये बहुत अच्छा स्टेप है कि ये फैमिली पार्क के साथ साथ जो है ओपन एरिया जिम बिल्ड किया गया बच्चों के लिए। शहरों के अंदर बड़े बड़े पार्क्स के अंदर ज़रूर ये चीज़ बनाई जानी चाहिए ताकि बच्चों को साफ़ सुथरा और एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलने के साथ साथ उनकी फिज़िकल फिटनेस के लिए भी सहूलतें मुयस्सर हों। ये जो जगह यहाँ पर रहाइश भी अवेलेबल है, फैमिलीज आके यहाँ पर स्टे करती हैं और फिर पूरे यहाँ पे इस एरिया की सैर करते हैं। ये बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट है। चलें एक बच्चे से पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो हैं मशीन्स इंस्टॉल्ड हैं एक्सरसाइज करने के लिए, लिस्ट बताइएगा ज़रा हमें। ये खानसपुर में ओपन एयर जिम है, यहाँ पे 22 मशीन्स हैं और ये पुश चेयर, फेस वॉकर, सर्फ बोर्ड, पुल चेयर, सीटेड पैडल ट्रेनर, आर्म व्हील, वेस्ट मूवमेंट मशीन, वेब बोर्ड, एलिप्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल चिन अप स्टेशन, पुशअप बार, स्टेपर, पुल अप बैग, राइडिंग ट्रेनर और ताइजी व्हील और पैरेलल बार है। थैंक यू बेटा, आपने हमें इसके बारे में बताया। वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए।